गुलुकारा मीशा शफी के खिलाफ अली जफर की हथक इज्जत की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए 22 दिसंबर को तलब कर लिया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अरशद अली से। जी अरशद से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। गुलुकारा मीशा शफी के खिलाफ अली जफर की हथक इज्जत की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए 22 दिसंबर को तलब कर लिया है। इस पर बात करेंगे एक बार फिर हमारे नुमाइंदा अरशद अली से। अरशद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो समाअत के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने जो है वो गुलुकार अली जफर की दरख्वास्त पर केस की समाअत की है। गुलुकारा मीशा शफी के वकील जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत से जो है वो बहस के लिए मोहलत तलब की, जिस पर जो है वो अदालत ने मीशा शफी के वकला को मोहलत की इस्तदा को मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर दोनों फरीकैन के वकला को बहस करने के अहकाम सादर किए हैं। उसके साथ साथ अदालत ने मजीद समाअत जो है वो 22 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। गुलुकारा मीशा शफी ने जो है वो जिनकी हिरासगी का इल्जाम लगाया था, जिसको जो है वो गुलुकार अली जफर ने अदालत में चैलेंज किया था और कहा था कि मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद किए गए, जिससे जो है वो मेरी शोहरत मुतासर हुई है। ठीक है, मजीद समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरशद अली। डॉलर की कीमत में इजाफे से अलावा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तोसी मंसूबा अरबों रुपए महंगा हो गया। 43 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 49 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा।